आईपीएल 2020 की नीलामी में कई छोटे बड़े खिलाड़ियों पर टीमों ने दांव खेला। इस नीलामी में कुछ देशी और कुछ विदेशी खिलाड़ी ऐसे भी रहे जिन्हें इस नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला और वो अनसोल्ड ही रहे। इस आईपीएल नीलामी में जिन 8 बड़े खिलाड़ियों के नाम सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले नाम हैं। चलिए जानते हैं उन 8 खिलाड़ियों के बारे में जो बिना बिके ही रह गए। एडम जेम्पा, ऑस्ट्रेलियाई युवा लेग स्पिनर एडम जेम्पा इस आईपीएल नीलामी में बिना बिके ही रह गए। हालांकि एडम जेम्पा ने अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन आईपीएल 2020 के ऑक्शन में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। उनका बेस प्राइस 1.5 करोड़ रुपए था। इवन लुइस, वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज इवन लुइस को इस आईपीएल ऑक्शन में कोई खरीदार नहीं मिला। पिछले सीजन वो मुंबई इंडियंस से खेले थे। लुइस का बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए था। मुस्तफिजुर रहमान, बांग्लादेश के स्टार खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को भी इस आईपीएल नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला। मुस्तफिजुर रहमान अपनी शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनका बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए था। कार्लोस ब्राथवेट, वेस्टइंडीज के एक और खिलाड़ी कार्लोस ब्राथवेट को भी आईपीएल 2020 के ऑक्शन में कोई खरीदार नहीं मिला। आपको बता दें कि कार्लोस ब्राथवेट एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। कार्लोस का बेस प्राइस 50 लाख रुपए था। शाई होप, वेस्टइंडीज के तीसरे खिलाड़ी शाई होप को भी इस आईपीएल में कोई खरीदार नहीं मिला। हालांकि शाई होप ने भारत के साथ खेली जा रही वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। शाई होप का बेस प्राइस 50 लाख रुपए था। मोहम्मद शहजाद, अफगानिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद को भी इस आईपीएल नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला। हालांकि मोहम्मद शहजाद ने इस साल T10 में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन फिर भी उन्हें आईपीएल में अनसोल्ड ही रहना पड़ा। शहजाद का बेस प्राइस 50 लाख रुपए था। स्टुअर्ट बिनी, भारतीय टीम में खेल चुके स्टुअर्ट बिनी को भी इस आईपीएल 2020 के ऑक्शन में कोई खरीदार नहीं मिला। हालांकि वो पिछले साल राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले थे। स्टुअर्ट बिनी एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जिनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए था। यूसुफ पठान, जी हाँ, यूसुफ पठान को भी इस आईपीएल 2020 के ऑक्शन में कोई खरीदार नहीं मिला। हालांकि किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि यूसुफ पठान को इस आईपीएल ऑक्शन में कोई खरीदार नहीं मिलेगा। ये पहली बार है जब यूसुफ पठान को आईपीएल में कोई खरीदार नहीं मिला है। पठान का बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए था। आप इन खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी को इस आईपीएल में खेलते हुए देखना चाहते थे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ज़्यादा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।